Yeah friends, welcome to my channel the civil engineering point. में आप लोगों को मैं पिछले वीडियो में बनाने वाला था स्क्वायर पाइप, ठीक है। स्क्वायर पाइप आप ये देख लीजिए, ये है और ये तो कटा हुआ भाग है, इसकी संपूर्ण भाग दिखा रहे हैं आपको। ये इधर ये आपका 5 से 6 मीटर में आता है, ठीक है। और इसका जो व्यास है ये इधर ये वाला व्यास ऊपर का व्यास है जो उतार है यहाँ पर, पचास में। और ये अंदर का व्यास है आपका 48 में, जो इसका थिकनेस है वह 3 mm, ठीक है। और इस पर अब वही 50 mm का प्लाईवुड माप के अनुसार तक लगाया जाता है। आप इधर देख लीजिए, ये प्लाईवुड है डबल प्लाईवुड 50 mm का डू। और इसका साइज पूरा है, ये आपका 2 मीटर है इसकी लंबाई है यहाँ से, ठीक 2 मीटर का है। इसको आपको बाटम में प्रयोग किया जाता है और गाला में भी प्रयोग किया जाता है ढाकने के लिए, और ट्रफ के सहारे इस पर ट्रफ खड़ा होता है, ट्रफ के ऊपर ये दिया जाता है। इसके ऊपर प्लाईवुड रहता है चौड़ा वाला, पर आपका स्टील बाइंडिंग होता है, स्टील बाइंडिंग बाद कंक्रीटिंग किया जाता है। आपको दिखा रहे हैं वो भी, ये देखिए आपका ट्रफ से ये खड़ा हुआ है इधर, ये आपका ट्रफ है, 2 से 3 मीटर में आता है ये, ठीक है। अब इसके सारे देखिए स्क्वायर पाइप लगा हुआ है वो, इधर देखिए इधर साफ नहीं दिख रहा है, इधर देखिए स्क्वायर पाइप लगा हुआ है, ये इधर बना हुआ है पर स्क्वायर पाइप के ऊपर आपका जो है आपको अप्लाई प्रॉप्स है, प्रॉप्स के ऊपर स्क्वायर पाइप है, स्क्वायर पाइप पर अब जो है प्लाईवुड है, प्लाईवुड के ऊपर ही अब स्टील बाइंडिंग होती है, स्टील बाइंडिंग के बाद अब उस पर कंक्रीटिंग किया जाता है। और बगल में आउटर साइड हो, आउटर साइड में प्लाईवुड फोका जाता है और उसके जो है उसको टाई बोल्ट के सहारे कसा जाता है, जिससे वो भागे ना कंक्रीटिंग करने के बाद, ठीक है दोस्तों। और ये शिकंजा है, शिकंजा है, इस पर प्लाईवुड के सारे जो बीम है कॉलम इसमें भागे ना जो है आउटर साइड को सपोर्ट के लिए किया जाता है, जो कंक्रीटिंग करने के बाद वो फैले ना, उसके लिए किया जाता है प्रयोग, ठीक है। और आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। जो गाला होता है आपका ये रूम का स्लैब पार्ट गाला करते हैं जिसको, उस पर 100 स्क्वायर पाइप डाला जाता है मिनिमम और मैक्सिमम भी। और बॉटम साइज है 1.5 मीटर से 2 मीटर से, ठीक है। और गाला का साइज है 3 मीटर 9 फीट रहते हैं, 3000 mm भी कहते हैं उसको। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।